बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो थोड़ा सा यूनिक है डिजिटल सिस्टम से। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो है इसे पूरी दुनिया में तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप होता है डायरेक्ट सेल कंपनी में जो स्टाइल होता है काम करने का, वो होता है मेक मनी टूडे अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपने रोजाना आसान लफ्जों में कह रहा हूं कुआं खोदना होता है और रोजाना आपने पानी पीना होता है। दूसरे जो तरीके का होता है काम करने का वो होता है फुलफिल ड्रीम टुमारो, इस कॉन्सेप्ट पर होता है। इसमें आप काम करते रहते हैं करते रहते हैं आइंदा आने वाले भक्तों में आपको इसका इंसेंटिव मिलना होता है। और ये क्रेम इन दोनों तरह के बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका खूबसूरत इंतजार है। यही वजह है कि ओरिजिनल का ट्रेडमार्क दुनिया की 36 जबानों में है, मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम टुमारो। आज आप पैसे कमाएं ताकि आइंदा आने वाले कल में अपने ख्वाबों की तकमील कर सकें। ये हमारा ओरिजिनल का बिजनेस लैडर, ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं। और इन ट्रेन के जाहिर कोई आपका बॉस नहीं होता, लिहाजा डिसाइड आपने खुद करना होता है कि आपका आपकी ड्रीम इनकम क्या है। डिसाइड आपने खुद करना होता है कि आपका ड्रीम टाइटल क्या है और आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपका ड्रीम लाइफ स्टाइल क्या है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपके साथ शेयर करूं कि और इन ट्रेन की अभी बहुत सारे फीचर्स आप सुनेंगे, खूबियां सुनेंगे, सुनते ही रहते होंगे, लेकिन और इन ट्रेन की तीन खराबियां ऐसी हैं कि जो ओरी प्लेन में मैक्सिमम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती और वो बेचारे आते हैं शौक शौक में या जोश में और अट्रैक्शन में आते हैं, लेकिन जितनी स्पीड से आते हैं उससे दुगनी स्पीड से वापस हो जाते हैं। शेयर करूं आपके साथ, फिर ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहें हम तो आए थे मोटिवेट होने के लिए, ये तो डी मोटिवेट होने लगी है। देखिए तीन खराबियां जो है उसमें पहली खराबी ये कह रहे हैं ओरी प्लेन की, वो ये है कि ये इतना सादा बिजनेस है कि लोगों को यकीन ही नहीं आता कि हम इतना आसान काम करके इतने पैसे कमा सकते हैं। लिहाजा वो या तो इसको चीटिंग फ्रॉड समझकर शामिल ही नहीं आते, और अगर शामिल हो जाए तो फिर उनको लगता है ऐसा कि नहीं हमें जो बताया जा रहा है गलत बताया जा रहा है, कोई चीज छुपाई जा रही है, काम तो किसी और तरीके से करना होता होगा। फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि जी हमने तो MBA किया हुआ है, हमने तो फना मार्केटिंग की हुई है, और लिहाजा फिर वो कहीं के कहीं चले जाते हैं। इसको पॉजिटिवली देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि हम लोग मतलब नॉर्मली ज्यादातर हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं, लिहाजा इस हवाले से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खराबी है ओरिजिनल की इसका आसान होना। दूसरी खराबी ओरिजिनल की यह है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है कि इसमें हमारे सर पर कोई बॉस नहीं है। अब जाहिर तौर पर अच्छी बात है कि कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि कल क्यों नहीं आए थे, आज जल्दी क्यों जा रहे, लेकिन यही चीज हमें इसलिए मरवा देती है कि हम मतलब सॉरी टू से ये बड़ी तकलीफ दे बात है लेकिन सच है कि हम बाई नेचर जो है डरने के आदि हो चुके हैं। एक बॉस होता है ना, वो 10,000, 15,000, 20,000 की खातिर हमें पूरा दिन गुलाम बनाए रखता है और हम बनने पर मजबूर होते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि हमारा कोई बॉस नहीं होता, कोई उसे पूछने वाला नहीं होता कि भैया आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने कम परफॉर्मेंस क्यों की, ज्यादा क्यों की, लिहाजा हम अपने आप को रिलीफ दे जाते हैं। हमें अपने साथ आपसे प्यार भी तो बहुत है ना, कि सर्दी लग रही है तो गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा हम लोग अपने आप को रिलैक्स देने के आदी है, लिहाजा ये दूसरी वजह है काम मतलब ओरिजिनल के प्लेटफॉर्म पर कामयाब न होने की। और ओरिजिनल की तीसरी खराबी जो है वो ये है कि यहां पर आपको एक रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती। माशाल्लाह हमारे अजीम भाई बैठे हुए खत्म की दुकान है, ईद के दिन भी ये दुकान खोले बैठे हुए होते, ईद के दिन भी कोई जुम्मा नहीं, कोई इतवार नहीं, कोई मतलब 10 मुहर्रम नहीं, तो कोई ईद का दिन नहीं, रोजाना इनको बैठना है, दुकान खोलनी है। वजह यह है कि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, तो और ये बहुत बड़ी खराबी है। चूंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लिहाजा ज्वाइनिंग करनी शॉप ही शॉप में, और उसके बाद अपनी सुस्ती कायकी की वजह से काम नहीं किया तो एक ही ख्याल आता कौन सा पैसे लगेगा, चलो जमा दो। तो ये तीनों चीजें बहुत बड़ा आप बहुत बड़ी को अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं पॉजिटिवली वे में अगर जाए, और चूंकि पॉजिटिवली जाने की हमारी आदत नहीं है लिहाजा ये नेगेटिवली चली जाती है बात और हम इसमें नाकाम हो जाते हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी है आइडेंटिफाई आपने खुद करना है कि आपको क्या चाहिए, कितनी इनकम चाहिए और इन के प्लेटफॉर्म से कौन सा टाइटल चाहिए और कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए। इस पूरे अनलिमिटेड
जो इनकम का सफर है वो शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ 498 रुपीज से। इसके अगेंस्ट भी कंपनी आपको एक स्टार्टअप किट देती है जिसमें हमारी कैटलॉग्स होती है, फ्लायर होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, वो तमाम प्रिंटेड मटेरियल जो आपको आगे ले जाने में आपका मॉडल साबित होता है वो सब इसके अंदर मौजूद होता है। उसकी भी खास बात ये होती है कि वो मिलने के बाद भी जो स्टार्टअप किट हमारी कहलाती है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, 14 डेज के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते या आपको ये काम नहीं करना, आप वो स्टार्टअप किट कंपनी को वापस करें और कंपनी से अपने 500 रुपए वापस लें। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ होती है और इसमें 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और उसके बाद 21% हमारी हायर परसेंट की एज है। अगर अर्निंग की बात करें तो अर्निंग का मामला ये है कि 3% पर हमारी जो एवरेज इनकम है वो तकरीबन 850 रुपए होती है, 6% पर एवरेज इनकम 2000, 9% पर 4000, 12% पर 7000, 15% पर 12000, 18% पर 20000 और 21% पर 35000 रुपए। ये एक एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर सारा नंबर गेम चलता है, लिहाजा 21% पर ही हमारे यहाँ ऐसे लोग भी जिन्होंने 70-80 हजार रुपए तक भी इनकम की है, लेकिन ओरिफ्रेंड्स आए एवरेज की बात करती है, एक दो केसेस को बकर नमूना आगे पेश नहीं करती। अच्छा जी, ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, एक होता है बीपी, एक होता है बीवी और एक होता है सीपीयू। जो हमारा सीपीआर होता है उसमें बैक पर आपने यही तीन अल्फाज देखे होंगे और इस ओरिफ्रेंड के पूरे सफर में इन्हीं तीनों अल्फाज से आपका बार 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 वास्ता होता है, लिहाजा इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बीपी मीन बोनस पॉइंट, बीवी मीन बिजनेस वॉल्यूम और सीपी मीन कंसल्टेंट प्राइस। नॉर्मल तो जाहिर है बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बोनस पॉइंट मुराद है इससे और ये गलत बात है कि आप ओरिफ्रेंड में शामिल होते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका हाई लो हाई लो होता ही रहता है, ठीक है, ये लाजम हो जाता है। दूसरी चीज है बिजनेस वॉल्यूम, ये आम हालत में तो एक शरीफ आदमी एक बीवी से काम चला लेता है, लेकिन कोई प्लान में एक बीवी से काम नहीं चलता और हमारे यहाँ जितने भी मर्द हैं बड़े खुश होते हैं, इसलिए कम से कम और प्लान की फील्ड में ये जरूर होता है कि बीवी खुद कह रही होती है मुझे और बीवी चाहिए और बीवी चाहिए और बीवी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, और ये कंसल्टेंट प्राइस सीपी के जिस प्राइस पर कंपनी आपको देती है प्रोडक्ट वो कहलाता है सीपी कंसल्टेंट प्राइस। अच्छा जी, ये हमारा बीवी चार्ज है कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, कितने पॉइंट से लेकर कितने पॉइंट तक आप 3% पर हैं, कितने पॉइंट से लेकर कितने पॉइंट तक 6% पर हैं, और ये तीनों 3, 6, 9% यहाँ पर आप कहलाते हैं कंसल्टेंट, 12, 15, 18% पर आप कहलाते हैं मैनेजर और 10,000 या इससे ऊपर जितने मर्जी पॉइंट हो जाए, 10 लाख पॉइंट हो, 1 करोड़ पॉइंट हो, आप होते हैं 21% पर। और यहाँ पर जो आपकी पहली जो टाइटल होता है, पहली डेजिग्नेशन वो होती है सीनियर मैनेजर की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको बताता चलूं कि अब की जो हमारा पॉइंट्स का चार्ट है ये हमारी हर स्केल की बैक साइड पर मौजूद होता है जिसको आप बार बार देख सकते हैं, लेकिन वैसे भी जब आप रनिंग पोजीशन में आते हैं तो ये खुद ब खुद आपको आपके फिंगर टिप्स पर ये सारी बातें आ चुकी होती है, लिहाजा आपको परेशान होने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं। और अब तो वैसे भी सारा हमारा मॉडर्न कंपनी है, लिहाजा सारा ऑनलाइन सिस्टम है, B4 पर जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं तो खुद ही सारे पॉइंट आपके सामने शो हो रहे होते हैं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है कि अगर एक पॉइंट भी कम हो, मिसाल के तौर पर 9,999 पॉइंट आपके, तो आपने 18% पर, इट मीन अब अभी आप 21% पर नहीं है। और सिर्फ एक पॉइंट की कमी से होता यह है कि फिर आपके कमीशन में जमीन आसमान का कई मरतबा फर्क आ रहा होता है, टाइटल में भी, कमीशन में भी, बहुत सारी चीजों में। इस हमारे से इस चीज का इस्तेमाल, इसका जो है लिहाज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे यहाँ बिल्कुल एक रेयर एक चीज हुई थी, छोटे मोटे केसेस तो हमारे बहुत होते रहते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल एक रेयर केस है, राणा साहब मौजूद हैं, ये बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल 2014 के मतलब महीने में, 2014 का ही कोई महीना था, उसमें वाकया हुआ था, उसमें हमारे एक साथी थे, चुनाव उस टाइम मैनुअल चलता था सारा मामला और इसे होता था, लिहाजा उनके पॉइंट बने 10,006 पॉइंट और वो बड़े खुश खुश चले गए, उनके पास ऑर्डर और भी था, लेकिन उस पर चूंकि अपने हाथ से ऑर्डर नहीं किए जाते थे, मैनुअल होते थे, तो उन्होंने कहा भी था
फाउंडर वाले ने कि भाई आप करा रहे, आपके पास एक ऑर्डर है, उन्होंने कहा नहीं जी मैं कल करा लूंगा, और उन्होंने अपना ऑर्डर किया और उसके बाद अपने घर चले गए। और उसके बाद हुआ ये कि उनकी टीम में एक बेचारी बड़ी भी थी, वो सेलर तो बेचारी करती थी, उनको किसी ने कोई प्रोडक्ट मंगाई होगी, वो प्रोडक्ट लेकर जब उसके पास गई पता चला उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि हमें ये वाली थोड़ी चाहिए थी, हमें तो दूसरी चाहिए थी। अब बेचारे परेशान बागी बागी आई है और उन्होंने कहा कि जी मुझे वापस करनी है। उन्होंने कहा कि वापस तो नहीं हो सकती, उन्होंने इतना रोना पीटना मचाया कि उन दिनों हमारे कंट्री मैनेजर बहुत जी के साथ होते थे, उन तक केस पहुंच गया, इतना वही पीटी कि उन्होंने कहा यार चलो कर दो। अच्छा होता ये नॉर्मली हमारे यहाँ भी अक्सर लोग बेचारे आते हैं और कहते हैं जी ये प्रोडक्ट वापस करनी है, और वो ये समझ रहे होते हैं कि जैसे कोई करियाने की दुकान है कि जी प्रोडक्ट वापस किए और पैसे मिल गए। जाहिर है यहाँ पर चूंकि पूरा एक जनरेट हो चुका होता है बिजनेस सबका, उनके पॉइंट्स जनरेट हो चुके होते हैं, पॉइंट्स के साथ साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है कमीशन का, बोनसेस का, लिहाजा जब किसी चीज को रिवर्स किया जाता है तो बाकायदा सिस्टम को होल्ड कराना पड़ता है और उसके बाद जो है ना वो सब चीजें रिवर्स होती होती है। अब जाहिर की बात हम कोई नहीं समझता होता, लिहाजा उन खातून ने भी बेचारी ने यही किया। अब आज तक तो आपको पता है ना वीक फोर है, लिहाजा 9 बजे फिक्स जैसे स्वीप पर स्विच चलती है सिस्टम रुक जाता है, चाहे कोई करना भी चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस वक्त चूंकि मैनुअली होता था रात को दो दो ढाई ढाई तीन तीन भी बज जाया करते थे, और कई मतलब ऐसा भी हुआ है हमारे कस्टमर सर्विसेज पे जो हमारे साथी हैं वो सुबह 8-8 बजे तक गए बेचारे यहाँ से ना, इतना चल रहा होता मामला। अच्छा अब उनका क्या हुआ कि अब जब वो प्रोडक्ट वापस की 7 पॉइंट की वो प्रोडक्ट, अब कितने पॉइंट लगे उनके 9999। अब यहाँ काउंटर से बेचारे उन साहब को बार बार फोन किया गया कि जी आप क्या ना एक पॉइंट कम है सिर्फ 21 पर आने से, सिर्फ एक पॉइंट कम है, लेकिन मुसीबत ये हुई कि उनका नंबर बंद। अब जाहिर उन्होंने कहा बस मेरा पॉइंट हो गया, मैंने जाकर मोबाइल बंद किया होगा या बैटरी का मसला होगा, जो भी होगा बार उनका टेलीफोन अटेंड नहीं हुआ। अब क्या हुआ वो सुबह जब जाहिर सिस्टम ऑन हुआ सब कुछ हुआ तो उनको पता ही चला कि उनके पॉइंट थे 9999। अब सिर्फ एक पॉइंट की वजह से 50 रुपए का आरटी पॉइंट बनता है, अब तो क्या 65 और 70 रुपए के दरमियान बनता है एक पॉइंट। उस वक्त जो है बीपी चूंकि कम था लिहाजा 45-50 रुपीज का एक पॉइंट था, 50 रुपए भी अगर आप लगा लें तो 50 रुपए के फर्क से पहला नुकसान इनको ये हुआ कि इनके कमीशन में फौरी तौर पर 17,000 से 18,000 रुपए कम हो गए, एक नुकसान। दूसरा नुकसान इनकी अप्लाइंग को हुआ और वो ये हुआ कि उनकी जो अप्लाइंग थी उसको कम से कम 19-20 हजार रुपए उसकी आमदनी कम हुई। तीसरा नुकसान इनकी अप्लाइंग को ये हुआ कि जो टॉप 15 की रैंकिंग थी उसमें उनका फर्क आया, और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था इनकी अप्लाइंग को वो ये हुआ था कि इटली स्पेन और फ्रांस का हमारा एक टूर था क्रूज का, जिसमें उनको सिर्फ एक ग्रुप चाहिए था जो इसकी वजह से मतलब मुकम्मल हो गया था, और जब ये नहीं हो सका सिर्फ एक पॉइंट की वजह से तो उनका वो टूर रह गया था। ये राणा पुराने हैं, अजीम भाई पुराने, वो अच्छी तरह जानते हैं, आप जानते हैं उनको, तो बारा नाम नहीं ले सकता, मतलब कपल की शक्ल में आते थे, नियम नहीं देते, उनका वो ट्रिप रह गया था। तो आप अंदाजा करें कि दुनिया के तीसरे नंबर का क्रूज था वो, उसमें मतलब यूरोप के इतने तीन बड़े बड़े मुल्कों का टूर था, उसमें वो जाने से रह गए थे सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। तो अगर जाहिर उनको पता होता तो 500 की बजाय वो 5,000 रुपए खर्च करके ऑर्डर कर देते। तो बात कहने का मतलब ये कि इन पॉइंट्स को इसलिए ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हमेशा आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना। ये आपकी अप्लाइंग की जिम्मेदारी नहीं है, ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, ये चूंकि आपका अपना बिजनेस है लिहाजा आपको ही इसकी जिम्मेदारी रखनी है और केयर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ओरी प्लेन क्लब जब आप ज्वाइन करते हैं तो फौरी तौर पर जो आपको इन शेप ऑफ कमीशन या प्रॉफिट, मतलब या आसान लफ्जों में कह रहे हैं इन शेप ऑफ रुपीज जो फायदे होते हैं, क्या क्या होते हैं? इमीडिएट प्रॉफिट, डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन और बोनसेस और कैश रिवॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं इमीडिएट प्रॉफिट की तरफ। इमीडिएट प्रॉफिट कितना है आपके प्रोडक्ट पर हमारा? 20%, ठीक है। अच्छा सीपीएल है किसी के पास अभी? अच्छा सीपीएल में, हर सीपीएल में लिखा हुआ होता है कि कंपनी आपको इमीडिएट प्रॉफिट 25% देती है,
तो अब आप बताएंगे आपकी मांग हो कंपनी की मांग नहीं 25% अभी आपने कहा था 20% नहीं जब परचेज करते हैं प्रोडक्ट हाँ वो तो 20% लगा था अच्छा लेकिन जब किसी को दे रहे होते हैं प्राइस के 25% तो भाई आसिफ भाई मैं आटा गूंदने वाली ना मैं बल्कि वो आपा बिल्कीस हूँ अब आप मुझे ये बात समझाए मुझे समझ में नहीं आई मैं आई थी या दाढ़ी वाली चलो आई चलो मैं जो है आटा गूंदते हुए आई थी मुझे बताया गया था कि 25% इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है तो अब मुझे बताया मैं काउंटर पर आई पता चला वो तो कह रहे 20% आसान दोस्तों ने बताया मुझे पता तो चले देखें आसान करते हैं इसको एक चीज होती है डिस्काउंट और एक चीज होती है प्रॉफिट ठीक है जब आप कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कंपनी आपको देती है 20% डिस्काउंट मिसाल के तौर पर कैटलॉग प्राइस है किसी प्रोडक्ट के 2000 रुपए कंपनी वो आपको देगी 20% माइनस करके 1600 रुपए ठीक है 20% ये हो गया आपका डिस्काउंट ठीक है ये होगी एक चीज डिस्काउंट दूसरी चीज होती है प्रॉफिट अब प्रॉफिट का मामला क्या है कि 1600 रुपए में जो आपने चीज ली वो कंपनी को किसी भी अपने क्लाइंट को आप कितनी की सेल करते 2000 की तो 1600 रुपए में अगर आप 20% प्लस करेंगे तो ये अमाउंट मेरे ख्याल से तकरीबन वो बनता है 1920 इस तरह कुछ बनेगा 2000 रुपए अमाउंट बनेगा ही उस वक्त कि जब आप उसमें 25% प्लस करेंगे तो ये ध्यान में रखें अपनी टीमों को भी आप बता सकते हैं कि दो चीजें हैं एक है 20% डिस्काउंट कि आपको कंपनी आपकी परचेसिंग पर 20% डिस्काउंट देती है लेकिन जो आप डिस्काउंटेड रेट पर प्रोडक्ट ले चुके होते हैं उस पर आप अपने क्लाइंट से 25% इमीडिएट प्रॉफिट लेते हैं ठीक है अच्छा जी अब सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कमीशन की वो तो डायरेक्ट छोटी सी चीज पर इतना टाइम जाया करते भी नहीं है आपने अपनी पूरी टीम के पॉइंट्स के जरिए 2400 पॉइंट हासिल कर लिए आप 2400 पॉइंट पर पहुंच गए ठीक है आप आ गए 12% पर अच्छा 12% पर हो या 3% पर हो या किसी भी % पर हो तो तरीका क्या होता है कि कमीशन लेने के लिए आपने देखा होगा हर सीपीएल की वेबसाइट पर यह बात लिखी हुई होती है कि आपको अपने पर्सनल अकाउंट पर 100 पॉइंट लाजमी करने होते हैं अगर आप 99 पॉइंट भी करेंगे तो आपका कमीशन जनरेट नहीं होगा हमारे राणा भाई जी इनके एक साथी थे तो वो 18% पर आए थे कहने लगे यार ये क्या मसला हुआ मैं 18 पर आ गया 18% पर और मेरा 1 रुपया भी कमीशन नहीं बना तो इन्होंने जब कहा कि अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट दिखाओ तो 80 या 88 पॉइंट कितने पॉइंट थे 60 पॉइंट ठीक है तो मजा इतनी बड़ी चीज को ही वो फरामोश किए बैठे थे तो 100 पॉइंट जरूरी होते हैं जो आपको करने होते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर 1 रुपया भी कमीशन आपको नहीं मिलता ठीक है कमीशन का फॉर्मूला कमीशन की जो तकसीम होती है उसका फॉर्मूला सिंपल है जितने भी आपके बीपीज होते हैं उसको 54 से जरब दिया जाता है जब आप बिजनेस वॉल्यूम की शक्ल में आ जाता है अब जो बिजनेस वॉल्यूम बनते हैं उसको जो आपकी परसेंटेज है उससे तकसीम कर ले तो वह जवाब आ जाता है आपके डायरेक्ट कमीशन का अच्छा जी जो 54 मैंने आपसे जिक्र किया है ये ध्यान रखिएगा कि ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है जैसे अभी हमने जो अभी थोड़ी देर पहले ये बीपी जो 51 लिखे हुए थे इसलिए पुरानी पीपीटी थी तो ये अभी हमने जो अब चूंकि जनवरी से कंपनी ने इसको 51 की बजाय 54 कर दिया है जब वो बीपी की कीमत बढ़ती है तो बीपी जो है ना वो बढ़ जाता है ठीक है बहरहाल इस फार्मूले को अगर आप लिख लेंगे तो बस ये काफी है अब ये चाहे 54 हो चाहे 64 हो चाहे 94 हो चाहे 100 हो जाए फार्मूला यही होता है कमीशन के लिए भी बोनस के लिए भी अब कमीशन किस तरह मिलता है कि मिसाल के तौर पर आपने 100 पॉइंट किए 54 से जरब दिया गया उनको 5400 बिजनेस वॉल्यूम बने आपकी परसेंटेज 12% है लिहाजा आपका कमीशन बना 648 रुपए ठीक है ये 100 क्या चीज है ये जो है ये क्या चीज है किसके हाँ भाई आपके अपने पर्सनल पॉइंट है ठीक है 54 क्या है ये बीवी रेशो हो गया 5400 क्या हो गया ये बिजनेस वॉल्यूम हो गए 12% क्या है ये आपकी परसेंटेज है और 648 रुपए क्या हो गया ये आपका डायरेक्ट कमीशन ठीक है
अच्छा कंपनी ऐसे नहीं करती कि डायरेक्ट कमीशन अलग देगी तो इनडायरेक्ट कमीशन अलग देगी, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, मिलता सब एक साथ ही। ओके बिजनेस पॉइंट है 100, ये क्या मंथली बेसिस पे करना पड़ता है? जी जी जी, यहाँ पर लाजमी करने होते हैं जब ही आपको कमीशन जनरेट हो जाएगा। अच्छा जी, इनडायरेक्ट कमीशन। अच्छा इसमें मैं एक चीज होगी वाजे कर दू, हमारे भाई ने एक बात पूछी है और हमारे यहाँ लोगों को सीधी सीधी बातें कहीं मतलब हम मिसगाइड भी किया जाता है कि अगर आपने 100 पॉइंट ना किए तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। बहुत सारे हमारे जरा जागीरदार टाइप के होते हैं लीडर्स, वो तो अपनी टीम को कहते हैं कि हम आपको टर्मिनेट करवा देंगे। तो ध्यान रखें कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ना आपको कोई टर्मिनेट कर सकता है ना कोई करवा सकता है, सिर्फ इस बात पर कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे। जब आप आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके बाद से आपके पास पूरे 12 महीने होते हैं। अगर 12 महीने के अंदर अंदर आप एक मरतबा भी एक छोटा सा प्रोडक्ट भी कोई परचेज कर लेते हैं तो आपका कोड एक्टिव रहता है। हाँ ये एक अलग बात है कि अगर 12 महीने मुकम्मल हो जाए और तब भी आपने एक पॉइंट की भी परचेजिंग नहीं की तो फिर आपका कोड टर्मिनेट हो जाता है, उससे पहले कोड आपका टर्मिनेट नहीं होता। तो 100 पॉइंट की शर्त सिर्फ और सिर्फ आपको कमीशन लेने के लिए है। अगर आपका कमीशन नहीं बन रहा और आप नहीं करना चाहें तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसा खर्च कर करके लाजमी ये प्रोडक्ट लें और अपने पॉइंट लें। अच्छा जी, इनडायरेक्ट कमीशन क्या होता है कि आपने और आपकी टीम में जो परसेंटेज का डिफरेंस होता है वो कंपनी आपको देती है इन शेप ऑफ इनडायरेक्ट कमीशन। इसमें भी बहुत मसला आता है कि जी वो इनडायरेक्ट कमीशन जो है वो हराम है तो ये हलाल है, टेनिस बैच में अभी भी पढ़ेंगे नहीं, वो अलग ही टॉपिक है, लिहाजा उसमें से सिर्फ गलत फहमी होगी लोगों की कि मिसाल के तौर पर मिस्टर ए जो वर्किंग कर रहे हैं इसकी इनकी वर्किंग का कंपनी इनके पैसों में से निकाल कर ऊपर वाले को दे रही है, बस यहाँ पर गलत फहमी पैदा हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी ये जो भी आप काम करेंगे इनको इनकी मेहनत का सिला मिलेगा, कंपनी इनकी अमाउंट में से एक रुपया भी ऊपर वाले को नहीं देती। हाँ इतना जरूर होता है कि आप में और आपकी टीम में जो परसेंटेज का डिफरेंस है कंपनी वो आपको देती है कि 12 दिन को डेवलप करने वाले आप हैं। अच्छा मिस्टर ए किस परसेंटेज पर है? 100% 21 मैंने तो बताया था आखिरी परसेंटेज है, ये 100% कौन सी रहती है? मिस्टर ए किस परसेंटेज पर? किसी पर भी नहीं, 0% पर है। मिस्टर बी ये 6 पर आ गए। मिस्टर सी ये भी 6 पर है। मिस्टर डी ये 9 पर है, ये 9% पर है। और आप किस परसेंटेज पर है? इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है, ये सारे पॉइंट काउंट किए जाते हैं, ठीक है, इन सब पॉइंट्स को जमा किया जाता है। जब इन पॉइंट्स को आपने जमा किया 100 जमा 600 जमा 700 जमा 1600 और जमा आपने अपने 100 पॉइंट, तो ये टोटल पॉइंट कितने बने? 3200। इसका मतलब है कि आप 12% पर, ठीक है, ये बिल्कुल आसान सी एक बात है कि जितने भी पॉइंट यहां पर जमा है वो सब एक जगह जमा हो जाएंगे। अब टोटल पॉइंट जितने बनेंगे वो आपकी परसेंटेज होती है। अब कमीशन का मामला क्या होता है, मिस्टर ए जो है, ठीक है, अभी पहले ये 45 कोई पुराना चल रहा है इसलिए नीचे सही आ गया, उसको आप स्किप कीजिएगा ध्यान से। आपके जो अपने पॉइंट है 100, इसको जरूर दिया 54 से 5400 बने, इसका 12% बना आपका 648 रुपए, ये आपको मिल गया, ठीक है, अब वो सही हो गया। ओके अब मिस्टर ए से आपको कितना मिलना है, 12 में से 0 निकाल कितने बचे? 12। अगर गूगल पर जाए अक्सर किधर से पूछे किसा वर्ष से पूछे कितना मुश्किल सवाल आपने पूरा मिलेगा सर जी, मैंने से ये पूछा 12 में से 0 निकाले कितने बचे? 12 और 12 बचे, इसका मतलब ये है कि ये मिस्टर ए से आपको पूरा पूरा 12% मिलेगा, ठीक है। अब 12% यही 648 बने। अब देखिए ये वाले 648 तो वो थे जो आपने अपने पॉइंट किए थे, अब ये वाले पॉइंट आपने नहीं किए लेकिन चूंकि आपकी टीम थी आप लेकर आए थे लिहाजा इसका भी पूरा इंसेंटिव आपको मिल गया, ठीक है। मिस्टर बी 6% पर है, इनसे कितना मिलेगा आपको? 12 में से 6 निकाले 6 बचे, लिहाजा 6% बन गया 1944 रुपए। मिस्टर सी 6% पर है, यहां से कितने मिलेंगे?
यहाँ पर 6% मिलेंगे, 6% मिलेंगे कितने माने 1944 ज्यादा क्यों बीपी ज्यादा इनके बीपी ज्यादा है लेकिन परसेंटेज एक ही है लेकिन चूंकि इनके बीपी ज्यादा है लिहाजा आपका माहौल भी बढ़ गया। अब आपको शायद ध्यान देना होगा कम से कम मैं जब प्रेजेंटेशन देता हूं उसमें एक जुमला जरूर बोलता हूं कि अगर आप अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो वही प्लेन में दूसरा तीसरा चौथा कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है अपने नीचे वाले की अर्निंग बढ़ा दो आपकी अर्निंग खुद बहुत बढ़ जाएगी। अब इनकी अर्निंग ज्यादा होगी या इनकी पॉइंट ज्यादा हुए इसकी अर्निंग बढ़ी आपकी भी अर्निंग बढ़ गई हालांकि दोनों की एक ठीक है। मिस्टर डी 9% पर यहां से आपको मिलेगा 3% ठीक है और 3% में बने 2754। अब जब इसको टोटल करेंगे तो ये बनेंगे 8262 रुपए ठीक है। ये हो गई एक एग्जाम्पल। अब दूसरी एग्जाम्पल ये आपने आपके नीचे टीम बनी हुई है। अब जाहिर है वो हर टीम श्री गेदरी होता है ना कि वो सॉरी होती है मिस्टर ए 3% पर चले गए, मिस्टर बी 6% पर चले गए, मिस्टर सी 9% पर चले गए, मिस्टर डी 3000% पर चले गए ठीक है। अब यहां पर जो कमीशन की तकसीम होनी है वो किस तरह होनी है मिस्टर ए यहां पे 668 रुपए 648 रुपए हो गए 100 पॉइंट आपने किए। मिस्टर ए से आपको कितने मिलने 12 में से 3 निकाले 9% या आपको बोलते 972। मिस्टर बी 12 में से 6 निकाले कितने बचे 6 यहां से आपको मिल गया 6 1944। 12 में से 9 निकाले कितने बचे 3 मिस्टर सी से आपको इतने मिले। अब बताएं 12 में से 12 निकाले कितने बचते 0 आपको अब यहां से मिल रहे हैं 0 टोटल हुआ 5670 और ये हो गया जुलम। यहां से जो है प्रत्यक्ष शुरू होना शुरू क्योंकि हुआ ये कि मिस्टर डी जो है सबसे ज्यादा एक्टिव बंदे थे जब ये आए थे तो उनको मुंह चुन चुन कर रखा जाना था क्योंकि माशाल्लाह बड़ी हिम्मत है बड़ी काम करते हैं बड़े जल्दी पिक कर लेते हैं। और जब उसने जल्दी पिक किया दबा के मीटिंग्स करवाई मिलवाया लोगों से सब कुछ किया और पता चला वो भी 12 पर आप भी 12 पर लिहाजा जब उस वहां से कमीशन आपको मिलना बंद हुआ तो फिर क्या होता है जब आपके घर आते हैं और आपके घर वाले आपको बताते हैं कि फला बंदा या फला बंदी आई है तो आप क्या कहते हैं नहीं कर मैं आपके टाइम जाया करूं उस पर मैं टाइम ही जाया करूं पैसे तो मिल नहीं रहे मुझे ऐसे ही होता है ना नेचुरली। लेकिन आपको याद होगा कि वही वाली बात जो अपनी प्रेजेंटेशन में मैं जुमला ये भी बोलता हूं कि अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है दूसरा तीसरा चौथा कोई तरीका नहीं होगी प्लेन में एक ही तरीका है कि आप अपने नीचे वाले को प्रमोट करो आप खुद प्रमोट हो जाओगे। लिहाजा हुआ इस सिचुएशन में क्या हुआ हमने एज्यूम किया हुआ था कि हम 5% पर हालांकि ये सारे पॉइंट अगर आप जमा करें तो ये देखिए कितने बने 200 + 600 + 1300 + 3000 + 100 ये बन गए 5200 पॉइंट। तो 5200 पॉइंट पर बंदा 12% पर होता है 15 पर जाता है ठीक है। इसका मतलब है कि हम 12 पर थोड़ी थे हम तो 15 पर चले गए फौरी तौर पर। लिहाजा अब क्या सिचुएशन हुई सिर्फ एक बंदे को पूरी टीम में हमने पूरी टीम में सिर्फ एक बंदा अभी ऊपर गया है प्रमोट हुआ है लेकिन उससे आपको क्या फायदा हुआ उसको तो जो फायदा हुआ उसको छोड़ दें अभी हम अपने फायदे की बात करें। पहली बात हमारी परसेंटेज चेंज हो गई। दूसरी बात एक डायरेक्ट कमीशन में हर जगह से 3% बढ़ता चला गया हर जगह से 3 3 3 बढ़ गया। लिहाजा अब क्या हुआ पॉइंट आपने वही 100 किए हैं लेकिन पहले आपको कितने मिलने थे 600 कुछ मिल रहे थे अब उसी 100 पॉइंट के आपको मिलने हैं 810 रुपए पॉइंट वही 100 लेकिन अमाउंट आपका बढ़ गया सिर्फ एक बंदे को प्रमोट करने की वजह से ठीक है। मिस्टर ए से आपको मिलेंगे 1296 रुपए मिस्टर बी से आपको मिलेंगे 2916 रुपए मिस्टर सी से आपको मिलेंगे 4212 रुपए और मिस्टर डी जो थोड़ी देर पहले आपको बहुत बुरे लग रहे थे उनसे आपको मिलेंगे 4860 रुपए और ये टोटल अगर हम बात करें तो ये बने 14094 रुपए। अब तो नहीं कहेंगे ना घर में कोई नहीं है बुला देंगे ठीक है इसलिए आपने इनको प्रमोट किया इसकी वजह से
आपकी अभी भी प्रमोशन हो गई, आप एक टाइटल ऊपर चले गए। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि आप ये समझें कि एक ही नशीस में सब कुछ समझकर आप अल्लामा बनकर चले जाएंगे यहां से। इस प्रैक्टिस को कम से कम 50-60 मरतबा जब आप करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, बार बार ले रहे होते हैं, खुद अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। पहले तो हम ये करते थे कि जिस शख्स के पास कॉपी ना हो, पेन ना हो, सीपीएल ना हो और कैलकुलेटर ना हो, हम उसको इस तरह की ट्रेनिंग में अलाउ ही नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद भी जाहिर है हर बंदा अपनी आना समझी मजबूर हमने हर एक अलाउ करना शुरू कर दिया, वरना ये सारी कैलकुलेशन आपके हाथों से होती है। उसका फायदा ये होता है कि जिसे ये किसी के जहन में नहीं आया कि ये शब्द पता नहीं खुद ही इन्होंने बना दिया होगा, क्योंकि मैथ वाहिद दुनिया की जबान है कैलकुलेशन कि जिसमें ना झूठ बोला जा सकता है ना मुबालगा आई हो सकती है, और इसीलिए आपने मैथ की जबान में तो शायरी भी लिखी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल रियल फैक्ट पर बात हो रही है। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने इमीडिएट प्रॉफिट देख लिया, डायरेक्ट कमीशन देख लिया, इनडायरेक्ट कमीशन देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं बोनसेस। बोनसेस का मामला क्या है कि एक एग्जांपल से लेते हैं, 100 पॉइंट है हमारे नीचे टीम बनी हुई है ए बी सी डी। ठीक है, अब जाहिर है मिस्टर ए किस परसेंटेज पर? 3% पर। मिस्टर बी? 12%। मिस्टर सी? 18%। मिस्टर डी? 21%। आपकी परसेंटेज क्या होगा? 21 पर चला जाए तो अगर वो अराउंड 6 पर हो तो फिर कैसे होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नीचे वाला अगर 21 पर है तो अंडरस्टूड है कि आप 21 पर है ही है कम से कम। ठीक है, टाइटल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ओके, टाइटल हो सकता है कि आपके ऊपर वाला जो है वो आपसे टाइटल में नीचे हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपके नीचे वाले की परसेंटेज आपसे ऊपर वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आपकी परसेंटेज 21 है। ओके, ये आपकी पोजीशन मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी, और यहां पर आपका कमीशन की बात अगर हम करें तो मिस्टर ए से आपको मिलना है 18%, मिस्टर बी से आपको मिलना है 9%, मिस्टर सी से 3% और मिस्टर डी से 9%। ठीक है, ओके जी, मिस्टर ए से जो आपका कमीशन बनना है वो बनेगा 2,916 रुपए, मिस्टर बी से आपको मिलने हैं 11,664 रुपए, मिस्टर सी से आपको मिलने हैं 12,312 रुपए। मिस्टर डी का क्या था? पहले तो ये था ना कि आप 12 पर थे, नीचे वाला 12 पर आया, मे बी आप 15 पर चले गए, आप 15 पर है, नीचे वाला 15 पर आया, मे बी आप 18 पर चले जाए। लेकिन अब मुसीबत ये है कि 21 से ऊपर और कोई परसेंटेज ही नहीं है, लिहाजा अब क्या किया जाए? इसका आसान तरीन तरीका यह है कि ओरिफ्लेम ने यहां से अपने बोनसेस शुरू किए हैं, और जो हमारा पहला ओरिफ्लेम बोनस होता है वो होता है 4% ओरिफ्लेम बोनस, जिससे होता क्या है कि आपकी आमदनी मिनिमम साइड पर भी शूट करके डबल से ज्यादा हो जाती है, और इसके लिए करना आपको सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अब देखिए 10,000 पॉइंट ये मिनिमम बात होगी। 54 से आपने जरूर किया 5,40,000 बिजनेस वॉल्यूम बने, इसका 4% बना 21,600 रुपए। करना इसके लिए होता है कि कमीशन लेने के लिए आपको 100 पॉइंट करने होते हैं, लेकिन अगर आपको बोनस भी देना है तो फिर आपको 100 की जगह 200 पॉइंट करने हैं बस। ये फिर आप जितनी मर्जी हाई रेजोल्यूशन पर चले जाए, ये 200 पॉइंट ही है। और आपको याद होगा अक्सर मेरी प्रेजेंटेशन में सवाल सबसे ज्यादा होता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट पर चाहिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 41% तक प्रोडक्ट चाहिए, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ये प्रोडक्ट जो है फ्री में चाहिए, और कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ये प्रोडक्ट जो है वो चाहते हैं कि फ्री में भी मिले और उसके साथ साथ उनको कंपनी पैसे भी दे दी। देखिए बिल्कुल, ये अगर ओरिफ्लेम की बिजनेस वॉल्यूम पर बिजनेस प्लान जो है हमारा, इस पर अगर आप देखते हैं और अमल करते हैं इसके मुताबिक चलते हैं, तो अगर आप जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो हर प्रोडक्ट आपको 20% डिस्काउंट पर मिलती है, लेकिन आप ज्वाइन करने के साथ साथ ओरिफ्लेम का बिजनेस करते हैं और परसेंटेज वाइज आप 21 पर चले जाएं
तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की हर प्रोडक्ट आपके लिए 41% डिस्काउंट पर चलेगी। अच्छा, उसके बाद जब आप अच्छी डेजिग्नेशन पर आते हैं, अच्छी टाइटल पर आ जाते हैं, अब आपको कंपनी की तरफ से मिसाल के तौर पर 6-7 हजार रुपए की कमीशन मिलता है। तो इसका मतलब है आप कमीशन लें, प्रोडक्ट लें, आपको प्रोडक्ट फ्री में पड़ रही। लेकिन जो लोग हमारे हाई टाइटल पर काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, हाई टाइटल से मुराद कोई ये नहीं, मैं कभी बात कर रहा कि गोल्ड डायरेक्टर या डायमंड डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। हाई टाइटल से मुराद ये कि 12% से जैसे आप ऊपर जाते हैं, 15% पर हो, 18% पर हो, 21% पर, तो माशाल्लाह आपकी इनकम एक अच्छी इनकम हो रही होती है। 50-60 हजार रुपए हमारे यहाँ नॉर्मल एक बात है। और अलहमदुल्ला मतलब कोई भी नहीं, मैं इंडिया की बात अगर आपको बताऊं, अलहमदुल्ला पाकिस्तान में भी वही वक्त आ चुका है कि इंडिया में एक बात हम सुनते थे आज से 5-6 साल पहले, क्योंकि अगर किसी शख्स की आमदनी और इंडिया में 1 लाख रुपए से कम हो उसको वो सीरियस मतलब मानते ही नहीं थे। वो कहते थे ये टाइम पास कर रहा है, इसको छोड़ो, उसको सीरियस ट्रीट ही नहीं किया जाता था। सीरियस उसको माना जाता था जिसकी आमदनी कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर हो। तो अलहमदुल्ला आज माशाल्लाह अभी टॉप 10 में किस परसेंटेज पर, कौन सी टाइटल, कौन सा नंबर है, 8वां। और आमदनी कितनी हुई, तकरीबन 2 लाख। देखिए 2 लाख रुपए पर भी नंबर 1 या नंबर 2 नंबर 3 नहीं, 8वें नंबर पर है। तो अंदाजा कर लें कि 7वां, 6वां, 5वां, 4वां, 3रा, 2रा अलहमदुल्ला कितनी अर्निंग कर रहा होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ये होती है कि आप अपनी टीम में जितने ज्यादा 21 वाले क्रिएट कर लें, उतने ही आपके हिसाब से देख लें कि 121 आपका 21,600 रुपए आपको दे रहा होता है। ये बिल्कुल बॉटम लाइन की बात की, इसको अगर आप थोड़ा सा आगे ले जाए तो फिर तो बात कहां से कहां जाती है। और आपने चूंकि खुद चवन 200 पॉइंट किए, उसका कमीशन आपका बन गया 2,268 रुपए। अब अगर इसको हम टोटल करें तो ये बने 50,760 रुपए। और इस जगह तक आने के लिए और ही प्लेन में मैक्सिमम आपको 6 महीने चाहिए बस। इससे ज्यादा अगर आपको महीने लगते हैं और आपकी इनकम यहां तक नहीं पहुंचती, इसके सिर्फ 2 मतलब बनते हैं। एक मतलब ये बनता है कि आप काम नहीं कर रहे, दूसरा मतलब ये बनता है कि आप सही काम नहीं कर रहे। और सही काम नहीं कर रहे नो प्रॉब्लम, आप आ जाए ट्रेनिंग रूम में, इसको सीख लें। ठीक है, उसके बाद भी ये हमारा जाहिर सक्सेस प्लान है और बहुत आगे तक जाता है। बोनस और भी हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जाहिर वो टेक्निकल हो जाते हैं, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमें बेसिक पर बात करनी थी। लेकिन इसके बाद हमारी आमदनी का एक और जरिया होता है और वो होते हैं कैश रिवॉर्ड्स। और हम तो जब डायरेक्टर बने थे 75,000 का कैश रिवॉर्ड था, लेकिन ओरिंग प्लेन में अब चूंकि इतनी ज्यादा पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो चुकी है कि 33% ओरिंग प्लेन ने अपने जो कैश रिवॉर्ड है वो इंक्रीज किए थे। लिहाजा अब डायरेक्टर बनने पर 1 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड, गोल्ड डायरेक्टर बनने पर 2 लाख रुपए, सीनियर गोल्ड बनने पर 3 लाख रुपए, सफाई डायरेक्टर बनने पर 4 लाख रुपए और डायमंड डायरेक्टर बनने पर कंपनी की तरफ से 6 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। अच्छा, टाइटल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनकी बात सिर्फ इसलिए नहीं करते थे जितना पाकिस्तान में हो चुका, अभी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि डायमंड का सबसे हाई टाइटल डायमंड डायरेक्टर है। बेसिकली डायमंड डायरेक्टर ओरिफ्लेम का ग्लोबली अगर हम देखें पहला टाइटल माना जाता है कि ये वो टाइटल है कि जहां से बेसिकली ओरिफ्लेम का सफर शुरू होता है। यहां पर 6% बनाने के बाद बंगले डाले जा रहे होते हैं, क्या खेल मान लिया। और बल्कि ये राणा बैठे थे, इन्हीं की टीम में एक होती थी खातून, जब वो 21 पर आई थी उनको मतलब उन्होंने ऐसा बिहेवियर शुरू कर दिया था कि जैसे उनको 21 लोगों की सलामी नहीं दी जाए कि मैं 21 पर आ चुकी हूँ। तो बल्कि आपको एक चलिए सामने बैठे एक बात भी कर दूं कि जब ये गोल्ड डायरेक्टर बने थे और दुबई में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी अटलांटिस दी पाम होटल में, अटलांटिस दी पाम होटल जिनको कभी नफा हुआ जाने का या आपने कभी नाम सुना हो, तो वहां पर सिर्फ कार पार्किंग की फीस 500 दिरहम, सिर्फ कार पार्किंग की फीस 500 दिरहम। ठीक है, उस होटल में कंपनी ने एक हफ्ता ठहराया था। बारह जब हमारी रिकग्निशन का वक्त आया तो हमारे राणा भाई बड़े परेशान थे, कहने लगे देखिए बताएं कि मुझे टेस्टिमोनियल देना पड़ेगा स्टेज पर, मैंने कहा देना तो पड़ेगा। तो कहने लगा यार बताया कि मैं क्या करूं, मैं तो इंग्लिश नहीं बोल सकता। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला थोड़ी है, ट्रांसलेटर तुम्हारे साथ होगा। तो कौन मेरे साथ जाएगा, बाबा साहब जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब एज अ कंट्री मैनेजर हमारे साथ है। मैंने कहा हाँ बाबा साहब जाएंगे तुम्हारे साथ। अच्छा ये बात है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर, अच्छा यार जैन भाई बताए मुझे क्या बोलेंगे। अच्छा मैं
मैं शर्मा का नाम दूंगा, बाबर साहब का नाम दूंगा और आपका नाम दूंगा, इन लोगों की वजह से। मैंने इनको ऐसे ही कहा, मैंने कहा ये बताओ कि हमें कौन जानता है, तुम जो है ना उन लोगों का नाम ला लो, तुम रॉबर्ट का नाम लो और जॉनस का नाम लो, एलेक्सेंडर का नाम लो, जो सीईओ वगैरह है, चेयरमैन है वर्ल्ड बैंक के, तो हमारा नाम कहना। अच्छा ठीक है, मैं अच्छी तरह याद कर लिया, याद कर लिया। अब जब इनको बुलाया जाने का वक्त आया, जब गोल्ड डायरेक्टर की रिकग्निशन का वक्त आया, तो बाबर साहब मुझे आज तक याद है, मेरे पास आए कहने लगे साहब बता दें उसको, उसका खून खुशक हुआ है। अब जाहिर बंदा सोचता ना कि स्टेज पर जाकर मुझे बोलना है, तो स्टेज पर बोलना एक आसान बात तो नहीं है ना, यहाँ पर बैठकर बड़ी पीड़े निकाल रहे थे ना, जो कैसे बोल रहा है, कैसे हंस रहा है, आवाज ही नहीं निकल रही। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी शख्स को जो यहाँ पर बैठकर बड़ा जोर जोर से कहके मार रहा हो, बात कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, उसको स्टेज पर लाकर सिर्फ माइक पकड़ा दे, वहीं पर बोलती बंद हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन जब ये गोल्ड डायरेक्टर की रिकग्निशन का आगाज हुआ, तो जिस तरह सब्जी मंडी में हो नहीं, आलू की बोलियां खोली जाती तो आलू लुढ़कते हुए जा रहे होते हैं, तो जिस तरह हमारे यहाँ 3% वाले होते हैं कि वो बेशुमार 3%, तो वही फिल्म ग्लोबल में गोल्ड डायरेक्टर तो ये वाली चीज होती है। इतने होते हैं, इतने होते हैं, इतने होते हैं, बहुत बड़ा स्टेज होता है, और उस स्टेज पर भी कम से कम 8 से 10 मर्तबा में लोग आते हैं, ठीक है। इतने गोल्ड डायरेक्टर होते हैं, तब फिर इनका खौफ खत्म होता है, तो अच्छा मैं ये ऐसे तो पता नहीं कितने लोग हैं, ठीक है। तो खैर कहने का मतलब कि डायमंड डायरेक्टर हमारी वही फिल्म ग्लोबल की जो वर्क थे उसके हिसाब से बेसिकली पहली डेजिग्नेशन है। यहां से आपको पता चलता है कि ओरिफ्लेम किस तरह आपका लाइफ स्टाइल तब्दील करके रख देता है कि एक तो अलम करीला 4 से 5 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम हो रही होती है, दूसरा आपको ये सारे कैश रिवॉर्ड मिल चुके होते हैं, यहाँ तक 12-15 लाख रुपए के कैश रिवॉर्ड बनते हैं, तीसरी चीज ये कि साल का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 आपको इंटरनेशनल टूर मिल रहे होते हैं, और उसके साथ साथ गोल्ड कॉन्फ्रेंस में और डायमंड कॉन्फ्रेंस में आपको कंपनी एक टिकट के साथ एक टिकट आपको फ्री में दे रही होती है। आप अपने साथ किसी भी अपने दोस्त को, अपनी टीम के किसी शख्स को, अपने स्पाउस को, अपने फैमिली मेंबर को अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बस याद रखने वाली जो बात है इस हवाले से कि यहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, एक तो ये कि आपने प्रोडक्ट जो है ओरिफ्लेम की जरूर यूज करनी है। इसलिए देखिए, एक चीज मैंने अगर यूज नहीं की, मैं किसी से कैसे कह सकता हूँ कि चीज अच्छी है। जब आपने यूज की भी होती है तो आप दूसरे को बड़े एतमाद से कह सकते हैं कि ये वाकई बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करना, आपने प्रोडक्ट को सीखना भी है। इसलिए कि प्रोडक्ट हमारी इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, तो जब तक आपको अपने प्रोडक्ट पर कमाल नहीं होगी तो जाहिर आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा आपने रेकमेंड करने को तरजीह देनी है और सेल करने की कोशिश नहीं करनी। सेल करने में और रेकमेंड करने में जाहिर है जो फर्क है वो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक तो बोलते ना, यहाँ आसान लफ्जों में बता रहा हूं आपको कि बस पीछे पड़ गए किसी के, आप अल्लाह रसूल का वास्ता ये प्रोडक्ट ले, अल्लाह रसूल का वास्ता ज्वाइन कर ले, उसकी बजाय आपने उसको सिर्फ रेकमेंड करना है, ठीक है। इससे आपकी भी टेंशन बचती है और मामला अच्छा भी हो जाता है। हर महीने, अच्छा यहां से हर महीने का लफ्ज है लेकिन आप उसको हर क्वार्टर भी समझ सकते हैं कि जब भी नई कैटलॉग आए, ये बिल्कुल जूनियर्स के लिए लफ्ज होता है, जून जो आप सीनियर होते जाते हैं तो फिर 20 कैटलॉग तो कुछ भी नहीं होती। कंपनी सजेस्ट करती है कि एवरी मंथ आप 20 कैटलॉग परचेज करें और अपने 20 जो इनर सर्कल के लोग हैं उनमें आप तकसीम कर दें। ये वाइड इन्वेस्टमेंट है कि जो ओरिफ्लेम में की जाती है, लेकिन अलहमदुल्ला पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 20 कैटलॉग इस वक्त 680 रुपए की जो 20 कैटलॉग आती है, ये कम से कम 6000 रुपए बनकर आपकी जेब के अंदर जाती है, ठीक है। ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और बेसिकली यही हमारी शॉप है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कैटलॉग है, ठीक है, ये वजाहत है, मैं इनके पास जाता हूँ और मैं इनको कहता हूँ वजाहत ये हमारी कैटलॉग है और जो ना ये हमारा बिजनेस है, यही मेरी जगह लड़की है, ड्राइवर पकड़ लेते, ठीक है। अब मैं इनके पास बाजार की बात लेकर गया कि देखिए बाजार की हमारी प्रोडक्ट है, हमारी कैटलॉग है, लेकिन दे नहीं सकता हूं, मेरे पास एक ही है, अभी मुझे अजीम भाई के पास भी जाना है, तो अभी इन चारों को क्या पता कौन सा इनको याद नहीं कि प्रोडक्ट क्या क्या है। लेकिन अगर मेरे पास 20 कैटलॉग हो, मेरा नाम नंबर उसको लिखा हुआ हो और मैं बाजार से कहूँ कि बाजार ये मेरी कैटलॉग है, मैं आपसे बाद में रब्ता कर लूंगा, आप इसमें प्रोडक्ट दे दीजिएगा,
खत्म बात। अब इसका एक फायदा ये हुआ, एक फायदा ये हुआ कि दोबारा कॉन्टेक्ट करने का मेरे पास एक जवाब है। एक फायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर हो सकता है कि ये मेरे जाने के बाद तकल्लुफन तो रखी अपने पास, लेकिन मेरे जाने के बाद जिन्होंने कैटलॉग साइड में फेंक दी, यार मेरा क्या ताल्लुक इन चीजों से, मेरे हाँ भाई। लेकिन पता चला थोड़ी देर में ये भाई हमारे इनके पास मेहमान के तौर पर आए, इनकी नजर पड़ी कैटलॉग पर, कैटलॉग तो बड़ी जबरदस्त है यार, ये क्या चीज है, पता नहीं यार वही कहा है कि उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा यार इनसे कैसे कॉन्टेक्ट हो सकता है, इन्होंने देखा वो नंबर लिखा हुआ है, इन्होंने पता कर कॉन्टेक्ट कर लिया, सर मेरी आपकी कैटलॉग मुझे मिली थी और आपको यकीन आ सकता है करते हैं एक बात पर, मुझे एक बेहतरीन मिली, एक क्लाइंट थी वो मुझे मिली थी, और मिली कैसे थी, मेरे पास फोन नंबर टेलीफोन आया और सलाम दुआ हुई, मैंने कहा जी मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, मैंने कहा जी आपको किसने रेकमेंड किया है, किसने रेफर किया, कहने जी किसी ने नहीं, मैं डायरेक्ट आपको फोन कर दिया, अच्छा मेरा नंबर आपको कहां से मिला, कहने जी कैटलॉग से, अब मैंने कहा जी मेरी कैटलॉग कहीं ना किसी की रेफरेंस से आई होगी ना आपके पास, तो कैटलॉग कहां से आई, तो फिर उन्होंने झिझकते झिझकते बताया कि असल में मेरे जो भाई हैं तो उनकी पान की शॉप है, तो वो कबाड़िए से जाहिर रंगीन पेपर खरीदते हैं, रंगीन कैटलॉग वगैरह टाइप की जो चीज होती है रिसाले खरीदते हैं, तो उसमें ये आपका रिसाला भी था जिसमें आपका स्पीकर लगा था, तो वो जो है भाई मुझे ला कर देते हैं, क्योंकि देखिए कि किसी शख्स ने भी उसको देते होंगे उसने उसको बेकार समझकर पान वाले को दे दिया, लेकिन उस पान वाले के थ्रू जो है चूंकि मेरा नंबर उस पर मौजूद था, मेरा ईमेल मौजूद था, नाम मौजूद था, लिहाजा मुझे अल्लाह तआला की तरफ से क्लाइंट मिल गया, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको मामूली चीज ना समझे, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बड़ी हेल्प हो रही होती है हमारे उन लोगों पर जो एक एक दो दो कैटलॉग लोगों से मांग मांग कर गुजारा कर रहे होते हैं, अच्छा यार आप मेरे लीडर है ना एक कैटलॉग दे दो मुझे, अच्छा आप मेरे डायरेक्टर ना एक कैटलॉग दे दो मुझे, तो इस तरह काम चला रहे होते हैं, इससे भी बिजनेस नहीं हो पाता। ठीक है, आपने तीन काम रोजाना करने, शो इनवाइट अटेंड, शो मी आपने कैटलॉग दिखानी है, इनवाइट मी जब हमारे प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग होती है आपने उसको उनको इसकी दावत देनी है, बिजनेस प्रेजेंटेशन की दावत देनी है, और अटेंड का मतलब क्या होता है, फिर किसी एड्रेस को मिलना चाहिए, वही सारा सा लफ्ज है अटेंड शिरकत करना। ठीक है, अब देखिए एक होता है भेजना, सभी मुझे नहीं पता आपको किसने भेजा, ठीक है, लेकिन एक होता है साथ चलना, ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं जो बेचारे इतने देर से सब कानून के साथ बैठे हुए हैं, मेरे जैसा कोई बदतमीज शख्स होगा मैं जिसने मुझे भेजा मैं सबसे पहले सवाल करता कि आप क्यों नहीं जा रहे, अगर वो इतनी अच्छी चीज है जिसके लिए आप मुझे भेज रहे हो तो आपको भी चलना चाहिए। ठीक है ना, तो हर कोई इतना अजीम नहीं होता, इतने अखलाक वाला नहीं होता, मेरे इतना बदतमीज लोग ज्यादा होते हैं, लिहाजा आपने ये नहीं करना किसी को अजीम साहब प्रोग्राम हो रहा है पहुंच जाना, आप भी नहीं जा रहे मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो इसका मतलब है कोई बेकार चीज है ना, तभी तो आप टाइम नहीं निकाल रहे, अगर अच्छी चीज होती उसकी बजाय अगर मैं अजीम भाई से कहूं अजीम भाई इतवार को मैरियट होटल में 3 बजे प्रोग्राम है तो हम साथ चले, तो ये रिस्पेक्टेबल वाला एक स्टाइल है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया जनरी भाई भी जा रहे हैं, इसका मतलब वाकई कोई प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपने लोगों को भेजना नहीं है, लोगों को साथ लेकर आना है। ठीक है, ये बड़ा अहम लफ्ज है जिसको हमेशा अंडरस्टैंड करना चाहिए, शो इनवाइट अटेंड के, और यही बेसिकली हमारी नेचर ऑफ जॉब है कि लोगों को हमने प्रोडक्ट दिखानी है, कैटलॉग दिखानी है, लोगों को हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करना है, और उसके साथ साथ हमने लोगों के साथ मिलकर प्रोग्रामों में प्रेजेंटेशन में ट्रेनिंग्स में मीटिंग्स में शिरकत करनी है। अपनी टीम का साइज आपने इंक्रीज करना है, हमारे बहुत सारे साथी बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि जो वही प्लेन में ये बड़ी मुसीबत है कि जी हर महीने पॉइंट खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अब मैं शुरू में मैं खुद भी परेशान होता था कि यार हर महीने पॉइंट जीरो हो जाते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं, तो एक ही बात समझाई गई थी कि अपनी टीम का साइज बड़ा करें, पॉइंट खुद ब खुद हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब यही वक्त है कि महीना खत्म होता है तो तकरीबन 9 लाख 10 लाख 11 लाख पॉइंट होते हैं, और जैसे कल रात कल 28 तारीख थी तो रात को 9 बजे सिस्टम ऑफ, अब समय में जब दोबारा सिस्टम ऑन किया सुबह तो पॉइंट जीरो, लेकिन क्या होता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 हजार पॉइंट फिर हो जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है टीम का इंक्रीज होना। ठीक है, तो आपने टीम का साइज इंक्रीज करना है, और इस हवाले से परेशान नहीं होना है आपने कि शायद ही कल परसों 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर ये सब काम हो जाएगा, इसके लिए काफी वक्त लगता है,
टाइम लगता है, इसलिए आपने इसका बड़ा ख्याल रखना, बड़े सबर के साथ पैशन के साथ आपने इस काम को जारी रखना होता है। ठीक है, अगर आपने टेंशन में लेकर इस काम को किया और इवनिंग को, तो सिवाय मैदा खराब होने के और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको बिल्कुल सुकून के साथ इस काम को करना है, सब्र और तामुल के साथ इस काम को करना है। सब्र और तामुल का कई मतलब लोग सुस्ती कायली भी ले लेते हैं, तो जहन में रखिएगा सब्र और तामुल अलग चीज है, सुस्ती कायली अलग चीज है। जी सर, सवाल ये है, जो ऑरिफ्लेम का जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, वो स्वीडन का मैन्युफैक्चर है या पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर? सर जी, मेरी बात असल में ट्रेनिंग में जवाब रही है सवाल से, ये असल में जो प्रोडक्ट है ना हमारी, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि अगर हमारी प्रेजेंटेशन आपने दी भी हो तो ये सारी बुनियादी बातें उसमें आपको बता दी जाती है। हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें पोलैंड भी है, जिसमें स्वीडन भी है, जिसमें रशिया भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें इंडिया भी है। तो हमारे पास कंपनी का तरीका क्या है कि जो इंग्रेडिएंट्स जिस खत्ते में ज्यादा है कंपनी वहीं पर फैक्ट्री लगाती है ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम आ सके। कंपनी स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट जो है हमारे पास इंडिया की और चाइना की भी आती है। लेकिन इंडिया और चाइना की प्रोडक्ट का आने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि वो कोई अल्लाह ना करे, जैसे एक बार चाइना की प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है कि 2 नंबर प्रोडक्ट होती है या उनकी कोई गारंटी नहीं होती, प्रोडक्ट सुपरविजन और इंटेंट की ही होती है, टोटल सुपरविजन और इंटेंट की ही होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लोगों को ट्रेन करना है, सिर्फ ज्वाइन करने से काम नहीं चलेगा, टीम बनाने से काम नहीं चलेगा, उनके बाद आपने उनको ट्रेन भी करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, आपने उनको डेवलप करना है और आपने वही काम डुप्लीकेट करना है। हमारे बहुत सारे साथी वो सिंपल एक SMS करते हैं अपनी टीमों को और समझते हैं मेरा फर्ज खत्म हो गया, मैंने उनको ट्रेन कर दिया, ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने उनको ट्रेनिंग देनी है, दिलवानी है, आपने उनको डेवलप करना है और उसके साथ साथ जो अच्छे काम आप करते हैं वो काम आपने उनसे डुप्लीकेट भी करवाने हैं। जब आप ये 3 काम डेली बेसिस पर करते हैं कि लोगों को ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इससे होता क्या है कि आपकी टीम स्ट्रांग टीम बनती है। स्ट्रांग टीम जब बनती है तो उससे फिर क्या होता है, आपका नेटवर्क स्ट्रांग बनता है और जब नेटवर्क स्ट्रांग बनता है तो आपके लीडर स्ट्रांग बनते हैं और जब लीडर स्ट्रांग बनते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट वो आता है जो असल में हमें चाहिए होता है, और वो क्या होता है कि हमारी इनकम हायर। वरना अगर सिर्फ टाइटल से ही इनकम आनी हो तो जो हमारे साथी LC वगैरह अटेंड करते हैं तो उनको पता है कि हमारे कई बड़े नाम, बड़े टाइटल ऐसे भी हैं कि जो अर्निंग वाइज नीचे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि इस चीज में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। तो ये छोटी सी ट्रेनिंग आपके साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबको बोर करने में कामयाब हुआ होगा। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। इस दुआ के साथ अपनी इस आज की कोशिश को मुकम्मल करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी आसानियां अता फरमाए और हमें दूसरों के लिए भी आसानियां फराहम करने वाला बना दे। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। और जिस तरह हमने आगाज किया था इसी तरह इख्तिताम करेंगे। और इस वक्त क्योंकि हमारी गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर रमीशा खालिद और कमर भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो लिहाजा चूंकि हाई डायरेक्टर पहले हमारे राणा साहब का था डायरेक्टर, और इस वक्त चूंकि इनसे भी सीनियर आ गए, लिहाजा इख्तिताम की तैयारी के लिए मैं दोनों को दावत दूंगा तशरीफ ले आए, कमर समा और रमीशा खालिद।